असर्टिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, यह आज का टॉपिक है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो, जैसे कि बाहर से टू हो तो हमें क्या करना होगा, उसका टेल, सेज टू हो टेल्स, सेड टू हो टोल्ड, से का से ही और सेज का सेज, सैड का सैड, यानी कि अगर साथ में ऑब्जेक्ट हो तो हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जैसे कि ही सेड टू मी तो ही टोल्ड मी। कंजक्शन क्या होगा, दोनों को जोड़ते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे कंजक्शन के रूप में असर्टिव सेंटेंसेज में, दैट का प्रयोग करेंगे। ही सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे, सेड टू की जगह पे क्या आया टोल्ड, है ना, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही वर्ब है सेकंड फॉर्म जो कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड, और कम का हो गया वो गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे, यस्टरडे का क्या चेंज हो गया द प्रीवियस डे। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज नहीं करेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में हम चेंज करेंगे। इसी प्रकार से राम सैड, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मान लिया गया है, यू शुड वर्क हार्ड, तो राम टोल्ड मी ऑब्जेक्ट के रूप में मी मानना, तो कंजक्शन दैट हो गया यू सेक जो ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई हो जाएगा आई शुड वर्क हार्ड। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल द ओल्ड मैन सैड यू कैन गो टू योर हाउस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आनंद, द ओल्ड मैन टोल्ड आनंद दैट, तो यू ही में चेंज हो गया क्योंकि आनंद के अकॉर्डिंग, कैन को कुड में बनाया कुड, गो टू और योर को हिज के रूप में क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया हिज हाउस। द एग्जांपल है द फादर सैड सरला यू हैव बिकम लेजी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है सरला, तो द फादर टोल्ड सरला दैट यू, सरला के अनुसार तो चेंज हो गया तो सी बन गया, हैव का हैड बिकम लेजी। अगला एग्जांपल है निर्मला सैड टू मीरा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, ये डायरेक्ट सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट में निर्मला टोल्ड मीरा दैट सी, यानी कि निर्मला के अनुसार क्योंकि आई जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सी वुड, सेल को हमने क्या किया वुड पास्ट में, ऑलवेज हेल्प और यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार मीरा के अनुसार तो हर, है ना, हर ये मीरा के अनुसार। ही सैड आई सैल लर्न इंग्लिश, तो ही सैड दैट ही वुड लर्न इंग्लिश, वुड कैसे आ गया सेल की जगह पे वुड हो गया और आई की जगह पे ही, ये आई की जगह पे ही क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ही सैड भारत मस्ट लर्न इंग्लिश, ही सैड दैट भारत मस्ट लर्न इंग्लिश, भारत चेंज नहीं हुआ मस्ट भी चेंज नहीं हुआ, है ना। अगले एग्जांपल में देखिए ही सैड सी मस्ट टाइप द लेटर एट वंस, यहाँ पे ही सैड दैट सी मस्ट किस में चेंज हुआ हैड टू में, टाइप द लेटर एट वंस, एट वंस के कारण यहाँ पे हैड टू आया है, यानी कि एट वंस तुरंत कार्य करने के लिए, यानी कि इमीडिएट कोई वर्क करना होता है तो मस्ट को हम चेंज कर सकते हैं हैड टू में, वरना अधिकतर मस्ट चेंज होता ही नहीं है।